पागल ये कही कली वाला है क्या कर रहा है भैया? अरे भैया कोबरा है कोबरा है कोशिश कर रहा हूँ अबे नहीं वो फन मारे बैठा थे कोबरा ही था जल्दी मार किसी को ले लो ना अरे कोई डब्बा लेके आओ चार टाइप का होता है ना जिसमें अचार मचार यार देख कैसे फोटो अबे सही है यार देख बोर हो रहा है क्या फोटो ले लो वीडियो में ले लो अरे डब्बा तुम कहां से पड़े लिखे डब्बा लाना कौन सा डब्बा कोई भी डब्बा बोरी है बोरी बोरी पर यार ये पर यार छेद नहीं है देख लो एक बार देख लो ना अंदर हाथ डाल के देखो ना छेद है छेद है छेद है हटाओ मर जाएगा उसमें अरे काफी बड़ा है पीछे वो खा लो तुम अरे तुम साले उठ जा लिया साले आ दे काम कर रहा है लोगों के वीडियो ले पीछे आ जा भाई छूट नहीं है देख लो चेक कर लो चेन लगता है कि नहीं देखो तो कैसे बोल रहा चेन पिंटू अच्छे से लियो पिंटू कोई नहीं बचने अबे कुत्ते अबे हटा तो नहीं है नहीं नहीं ऐसा मत करो अरे वो लेक अचार की नहीं है तुम्हारे लो भैया अरे यार तुम लोग नहीं एक तेल का पीपा पीपा डब्बा नहीं है क्या बोरा नहीं रख दे अरे पीपा अपने पास कैंटीन से मिलेगा कैंटीन में पहुंचा दो एक आदमी गाड़ी से मिश्रा जी हकीम का डिब्बा दे दो ना हकीम के टिप्पे पागल है क्या थोड़ी का है
पानी भरने की कुप्पी उप्पी कुछ ढक्कन वाले लेके आओ। अरे यार चमन अरे गाड़ी लेके आओ और मैसेज लेके उठा के लेके आओ। क्या देख रहे डब्बा ले आओ कैंटीन से डब्बा तेल वाला कैंटीन से दौड़ के जा। अरे दौड़ के जाओ ये दौड़ के पीछे पीछे से है हम छोड़िएगा नहीं सर जी। प्लास्टिक का लेके आ रहा भैया गया कैंटीन गया। बंद कीजिए बंद कीजिए आवाज। यहाँ पे किसी का रिश्ता नहीं है ना कैंटीन से आना पड़ेगा। ऐसा मत छोड़ो अंकल। अबे है पीछे हो जा रोहन। क्या यार ये 7 मिनट का इसमें फिटिंग हो गया रिवर्स फन मार रहे क्या वो वाला जो देखा था वो पत्थर को बना बोल रहा था तभी नीच में स्लिप में कर रहा हूं बैग चलेगा जाते ही रहे वो बोल रहा था उसको खत्म कर रहा है इंगेज कर रहा है ऐसा बना रहा है उसको वेट कर रहा है साला भागने को देख रहा है चालू है मेरा भी मियां अरे भाग के कहीं जाएगा नहीं अपनी कंट्रोल में पूरा तेज नहीं मतलब तेज नहीं करना पूरा तो डिफेंस बोर्ड देना मुझे अंदर जा अंदर कोबरा पकड़ा देखना तो जल्दी आया कोबरा पकड़ा भैया उसको छेद है। अरे हां जान दो जब तक डब्बा ला रहा तब तक मैं ही हूं। हेलो ओम ओम अरे उसको छोड़िए मत किनारे पे जाले में घुस गया एक बोरा वोरा और लाओ कुछ गहरे रंग का इसको डालने के लिए बोरा वोरा लेके आओ उसको बहुत गर्मी लग रही थी ना वो अंदर गया डाल के क्या किया इसको अरे ढक के रख रहे हैं जब तक डब्बा नहीं आ रहा है ओ ये कोबरा ये लेकिन एक बात है जो जो भी था किस्मत वाले हो तुम लोग ये अभी केचुली छोड़ा है। अच्छा केचुली भी इसकी यहाँ यही पड़ी मिल जाएगी आप अभी केचुली छोड़ा है इतना जहर है इसके अंदर कम से कम 15 आदमी को आराम से निपटा दे अगर लाइन से खड़ा कर कटवा देना 15 लोग मर जाएंगे।
अरे सांप नहीं है ये नहीं पट्टी ये है अरे डब्बा नहीं आ पाया अब तक यार किसके पास है डब्बा यार सर और कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताइए स्पेक्टिकल ये भी कैचुअली छोड़ा है और इस टाइम सांप जा रहा था हाइबरनेशन में चले जाते हैं शीत निद्रा जो होती है शीत निद्रा में सांप चले जाते हैं लेकिन ये जा नहीं पाया कि जगह ढूंढ रहा है शीत निद्रा में जाने के लिए एक बार अगर इसको कोई जगह मिल गई तो ये चार महीने अब ठंड के पूरे वहीं काटेगा क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकता अगर बाहर का जो टेम्परेचर है एटमोसफियर का वही टेम्परेचर इसकी बॉडी का रहेगा जब होली हो जाएगी होली के बाद धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा तब ये बाहर निकलेगा और भूखा रहेगा तब इसकी पहली प्राथमिकता रहेगी भोजन और प्रजनन उस टाइम सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं दिखते हैं गर्मी के दिनों में इसीलिए दिखते हैं कि प्रजनन करते हैं और भूखे रहते हैं चार महीने की शीत की तरह से निकलते हैं तो आक्रामक भी हो जाते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं तो अभी जो पकड़ाई में आया है ये कोई मतलब भोजन करने के लिए नहीं घूम रहा ये शीत निद्रा में जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है और पानी के इसमें ज़्यादा देर रह नहीं सकता था वो पानी जैसे ठंडा होते जाता तो इसका हालत खराब हो जाती है तो ये बाहर निकला है और बहुत जहरीला है सर आपको ये कैसे पता नहीं केचुली जब उसके शरीर पर पूरी चढ़ जाती है उसकी आंखों पर भी नीले रंग की एक परत चढ़ जाती है केचुली एक सांप साल भर में कम से कम तीन या चार बार केचुली छोड़ता है वो उसके बढ़ने का तरीका है अपनी बॉडी बढ़ती जाती है तो ऊपर की स्किन भी बढ़ती जाती है इसकी बॉडी बढ़ती है लेकिन स्किन ऊपर की नहीं बढ़ती तो होता क्या है ऊपर की स्किन ड्राई हो जाती है जैसे नाखून है बाल है और तो धीरे 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 करके जब फूक जाती है तो ये रगड़ता है मुँह अपना और नई त्वचा धारण करके निकल आता है यही नहीं सारे रेप्टाइल अब केचुली बदलते हैं गिरगिट बदलता है छिपकली बदलती है मॉनिटर लिजर्ड जो गोहरा बोलते हैं वो बदलता है तो उस जब ये छोड़ता है केचुली तो अटैक नहीं करता किसी को करता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है क्यों क्योंकि उस टाइम दिखना बंद हो जाता है उसको बहुत कम दिखता है तो जरा जरा सी बात पे वो फुकारता है उस टाइम अगर छेड़ो तो और आँखों पे जो परत जम जाती है केचुली की हल्की नीली जैसी दिखती है एक बार केचुली छोड़ दी उसने तो उसको पूरा सांप दिखने लगता है और एक सांप आपको यहाँ से इतनी दूर तक आपको सांप देख नहीं सकता सांप आपको यहाँ से वहाँ तक आपको आप नज़र नहीं आएंगे कैसे नज़र आएंगे जैसे मैं अगर मेरे पावर का चश्मा पहन लूँ मैं पावर नहीं है मेरे को और कोई आदमी पावर का चश्मा पहन ले तो उसे कैसे दिखेगा वो उसे धुंधला दिखेगा और जब उसके दो ढाई फीट की रेंज में आएंगे तो उसे क्लियर दिखना शुरू हो जाता है कि क्या है और ये आप अपन शोर कर रहे थे बात करने में बात करने से मना नहीं कर रहा था आपको आने से मना कर रहा था मैं भी बात कर रहा था अंदर से कि आपकी आवाज़ नहीं सुन सकते वाइब्रेशन पहचानते जमीन में जो वाइब्रेशन होती है इसके प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं वाइब्रेशन के प्रति ही सेंसिटिव रहेंगे आपकी आवाज़ और इनका मुँह जो रहता है जीप निकालते देखा होगा आपने एक्चुअली वो क्या वातावरण का जायजा लेते हैं जो वातावरण है आसपास का आप क्या सूंघते हो तो वैसे ही ये जो आपको समोसे की खुशबू आई तो इसका मतलब समोसे की खुशबू के कर्ण बारीक बारीक उड़ रहे हैं और आपके नाक तक पहुँचे कर्ण ही उड़े होंगे ना बहुत बारीक बहुत माइक्रोस्कोपिक कर्ण होंगे तो वैसे ही कर्ण इसकी जीप पर चिपक जाते हैं और जीप जब अंदर लेता है तो उसके तालू के ऊपर एक जैकबसन नाम का ऑर्गन रहता है वो उसको बताता है कि शत्रु है मित्र है भोजन है शिकार है इसके बारे में जानकारी देता है तो अभी एग्रेसिव है जहरीला है काटे तो और एग्रेसिव इसीलिए है कि हाइबरनेशन के लिए जगह ढूंढ रहा है और उसके पास टाइम लिमिट है अगर उस टाइम लिमिट के अंदर उसने हाइबरनेशन की जगह नहीं ढूंढी तो मर जाएगा इसलिए एग्रेसिव भी है और जो जानना चाहते हैं आप अभी इसके लिए क्या कर रहे हो इसको जंगल में छोड़ दिया हमारे उधर जंगल है लेकिन बहुत जहरीला था ये बात पक्की है उसका अभी वो फर्स्ट हो गया है इसलिए अब मैं यहाँ से हटाऊंगा इसको जब दो बार करेंगे तो अब वो थोड़ा एनर्जी उसने स्टोर कर दिया अभी मैंने इसे ढक दिया कल ही वाला लग रहा है उसको तकलीफ दे रहा है अपन छेड़ रहे हैं मजाक कर रहे हैं दो दो पीट रहे हैं इससे अपन को तो मजा आ रहा है उसको तकलीफ ये अपन नहीं चाहिए सर एक बात हो रही है हम लोग अभी यहाँ पे वो कुछ महीने में तो पानी कोई पिला सकेगा अच्छा हाँ पानी ला बोतल लाते बोतल में बहुत ठंडा वाला ठंडा वाला बोलिए अच्छा वो सर ही चलेगा जो पूछा अच्छा वो हमने जो मारा था वही कोबरा ही चलो आप मैंने मुझे मालूम नहीं कौन आप फोटो भेजे ना हाँ वो कोबरा आप कल भी आए थे किसी एरिया में रात को कल कम से कम एक डेढ़ घंटे करीब वही है वही वाला है अच्छा हुआ अपन ने ब्लॉक कर दिया ना इसलिए वो वहाँ से निकला नहीं तो अभी भी नहीं निकलता वो या ब्लॉक कर दिया और पानी छोड़ दिया तब वो पाइप भरने लग गया था पानी का
तो अब तक क्या पूरा पानी नीचे निकल जा रहा है, तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, सांस की प्रॉब्लम हो रही थी और फिनाइल का पानी, हाँ तो फिनाइल उसको इरिटेट, फिनाइल आपको भी करेगा इरिटेट सबको। अभी रेस्ट ले रहा है सर। अरे आप ये सोच रहे थे जहाँ से घोड़ा पछाड़ होगा, हम भी सोच रहे थे अभी सब जगह ढूंढ रहे हाइबरनेशन के लिए। आपके घर के कमरे के अंदर के जितने कोने काकड़े जितने होंगे ना, उसको थोड़ा उसके अंदर फिनाइल की गोलियां डालें, फिनाइल की गोलियां आती है ना वो डाल के रखें ताकि बाज आएगी। इंद्रजीत जी आगे 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 क्रॉस करें क्या है इंद्रजीत सब होगा ना भाई। तेल तो नहीं है उसमें, अरे तूने बाहर को बोला था कि नहीं बोला, तेल नीचे कर दो, तेल को नहीं था बोल गया था, सब से साफ करो यार मर जाएगा टिपस से बड़ा से बड़ा था फिर रजिस्टर से बात। चल आप लोग आप मैं रुका हूं यहां पे आराम से, सर्फ से सर्फ से धो लो सर से सर्फ से कि जो हम लोगों ने मारा था यहाँ पे दो सांप मार चुके, उससे भी सीखने का इनका कोई रिलेशन होता है क्या? नहीं बस पैरामोल चल रहा है, पैरामोल से नहीं होते मारते तो। एक्चुअली क्या होता क्या है कि जब भी आपने देखा होगा, आप लोग तो यंग स्टूडेंट हैं, मैं अलग से पूछेंगे बाद में, जो यंग स्टूडेंट है जितने वो सब जानते हैं, जैसे ब्रीडिंग सीजन आता है किसी का मेटिंग, जो कुत्ते हो जानवर हो तो किसी के यहाँ अगर बिच पली हुई है तो कुत्तों को पता लग जाता है वो कहीं से बाउंड्री वाउंड्री फाड़ फूंक के पाए जाते हैं, अपन को पता नहीं लगता क्योंकि फेरामोन्स छोड़ते हैं। यस सर। तो वैसे ही फेरामोन ये, हाँ सर आपसे नहीं बोल रहे हैं, नहीं वो धो दो एक बार में करना, सर डाल दो सर से, सर से धो ना, सर धो आप लोग सर धो, अच्छे में रगड़ के धो उसको हाथ डाल के। वो फेरामोन जो होते हैं उसको घूमते हुए जाता है, अब किसी सांप को मार देते हैं वो कुचल गया कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका जो गुदा द्वार होता है उसके आसपास की चोट पड़ गई उसको, उसमें ग्रंथियाँ होती हैं फेरामोन हार्मोन होती है ना, हार्मोनल ग्रंथियाँ वो फट जाती हैं, तो उसमें फेरामोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। उस स्थान पर कुछ देर तक वो फेरामोन्स रहते हैं, दो तीन दिन तक उसकी अस्तित्व रहता है, उसको सूंघते हुए दूसरा सांप आया था यहाँ कुछ है मतलब मेरे प्रजाति है या मेरा भाई है या दोस्त है, ढूंढते हुए अपना मतलब आ जाता है, तो आपको लगता है कि नाग को मार दिया तो नागिन आ गई, मारते हैं तो आपको मालूम नहीं चलता वो नाग को मारा है नागिन को मारा मारा। सर कौन सा आपने पार्ट बताया किस पर मारने से वो फट जाता है, वो फेरोमोन ग्लैंड, फेरोमोन ग्लैंड आपने किस पार्ट में बताया स्नेक के? गुदा द्वार होता है आगे ओ रेक्टम में पीछे साइड में, चला दे एक बार फेरोमोन निकल गया तो निकल गया ना, कितना टाइम हो गया? आपने हाथ से ही पकड़ा था, मैंने देखा था भाग रहा था, आपने पूंछ से पकड़ लिया था उसे, पूरा है सर थोड़ा बना रहे थे क्या इसलिए तो इन्फॉर्मेशन। एक काम करना मेरा ईमेल एड्रेस लिख लो, फेसबुक में आपको ज्वाइन होना है, फेसबुक एड्रेस ले लो। यस सर, ये अपलोड कर देंगे वीडियो, यस सर हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ये मेरा कार्ड है आप लोग मेरा नंबर नहीं है उसमें, फोन नंबर ईमेल नंबर तो आपका फोन नंबर नहीं है नाम का मेरी 19 ये किया था पूरा एक्चुअली साफा बांध के साफा बांध के एक्शन कर रहा है नंबर ये इसके पीछे नंबर लिए हुए गोरा है नंबर वो बोलते हैं गोरा है इसमें नहीं झरनी जरूरत है पीछे हो जाओ जरा पास में जाओ नंबर 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 नहीं है इसमें नंबर नहीं नंबर प्रवासी का था 98930 भैया हो गए सर हो गए चलो पीछे हो जाओ चलो पीछे जाओ पूरा अच्छे से पहुंच जाओ।
एड्रेस का ऊपर रख दीजिए 9 8 9 3 0 लिख लिया हाँ फिर 9 8 4 8 3 इनकी इनकी नहीं मतलब अपलोड नहीं कर पाएंगे बीच बीच में कट कर देंगे ना वो एडिट कर देंगे पहले पूरा गरम करके छेद कीजिए ना पिंटू भैया नेल कटर कुछ भी हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा ये आ गई ये आ गई कुछ और पानी मंगाओ ना प्याज प्याज लग जाएगा और पानी उनको भी चाहिए लेकिन आपका भी सांप निकले तो आपको मारने का पाप छिपकली मतलब जब ये छोटे छोटी अवस्था में रहता है गलत बात है छोटी अवस्था में जब रहता है तो ये पिक्चर बनाई है जिन लोगों ने छिपकली देख ले तो बढ़ते जाता है कई बार दूसरे छोटे सांपों को भी खा जाता है अभी भी मारता है दूसरे छोटे सांप पानी था पानी छोड़ता नहीं ये तो बड़ा है ना ये धावन है ये नहीं खाता खाता है किंग कोबरा सर वो किंग कोबरा के ऊपर वो एक फिगर बना रहता है पीछे में वो यही है यही है वो एक्चुअली जो फिगर बना रहता है उसको कहते हैं इंडियन स्पेक्टेटल कोबरा इसका लेटिन नाम है नागा नागा वो इंडियन स्पेक्टेटल कोबरा है एक मोनोफिलेट कोबरा रहता है जिसके पीछे गोल निशान रहता है वो मोनोफिलेट कोबरा है और वो जो ऐसा करके निशान रहता है वो स्पेक्टेटल कोबरा चश्माधारी एनकधारी सांप बोलते हैं और एक होता है किंग कोबरा इज द वन ऑफ द मोस्ट वेनमस एंड बिगेस्ट स्नेक इन इंडिया कोबरा प्रजाति का वो 18 फीट से 21 फीट तक की ग्रो कर सकता है 18 फीट से 21 फीट तक ये नॉर्मल कोबरा जो है ये ज्यादा से ज्यादा हाइएस्ट होगा 5.5 पौने 6 ज्यादा से ज्यादा बस उसके ऊपर